हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे टेक्निकल में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप देख रहे हैं जे टेक्निकल। दोस्तों, पारा शिक्षकों की कल उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया है कि राज्य सरकार ने द्वारा पारा शिक्षक नियोजन और सेवा सत्र नियमावली के अनुसार 2019 के अनुसार तैयार किए गए मॉडल के में जो भी प्रावधान किए गए हैं वो ट्रेड पास शिक्षकों का ही मानदेय के लिए किया गया, जो कि उच्च स्तरीय पर लागू नहीं होता है। उच्च माध्यमिक स्तर पर यानी कि 6 से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट के लिए है और उच्च प्राथमिक स्तर पर 6ठी से 8वीं यानी कि कक्ष क्लास 6 से लेकर के 8वीं तक के लिए है और जो 1 से लेकर 5 तक के लड़कों के लिए है, जो कि जो पास शिक्षक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं इस नए क्लास पर को। इसमें दिया गया वर्तमान मानदेय के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उच्च प्राथमिक 6ठी से लेकर के 8वीं तक यानी 6 से लेकर के 8 तक प्रशिक्षण वर्ड पास के लिए 15,000 रुपये का मानदेय रखा गया है। और वहीं बात करें केवल प्रतिशिक्षक शिक्षक के लिए वहाँ 13,300 रुपये और प्राथमिक स्तर पहली से लेकर 5वीं तक यानी कि 1 कक्षा 1 से लेकर के 5वीं कक्षा तक के पास शिक्षकों के लिए प्रशिक्षित वर्टेड पास के पास शिक्षक को 14,000 रुपये मिलने वाला है और केवल आप प्रशिक्षित वाले के लिए 12 जो जिसे प्रशिक्षित हैं पास शिक्षक उन्हें 12,000 मिलेगा, जो टेस्ट पास कर चुके हैं वो उन्हें 14,000। इसे दो मॉडलों में अनुसूचित किया गया है। दो मॉडल हैं। पहला मॉडल है आपका उच्च माध्यमिक स्तर 6ठी से 8वीं तक का और 6ठी से 8वीं तक का दोनों मॉडल है, जिसमें कि एक में बताया जा रहा है कि प्रतिष्ठित पारा शिक्षकों को 5,200 से 20,200 तक का वेतन मांग दिया जाएगा। इसमें से आपको 2,200 रुपये ग्रेड मिलने वाला है और प्रशिक्षित छात्रों को पारा शिक्षकों को 5,200 से और 20,200 तक का वेतन मांग मिलेगा और वहीं पर उन लोग को 2,000 का ग्रेड पे भी मिलेगा। प्राथमिक स्तर 5वीं से लेकर यानी पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक के लिए प्रशिक्षित पास क्षेत्रों के लिए 5,200 से 20,200 तक का वेतन मांग मिलेगा। और वहीं बात करें आप ग्रेड की, तो ग्रेड पर 2,000 मिलने वाला है और केवल अप्रशिक्षित छात्रों के लिए 5,200 मिलने वाला है। और वहीं बात करें उच्च प्राथमिक शिक्षा वाले की, तो हम 24,200 और हर साल 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। प्रशिक्षित छात्रों के लिए जो प्रशिक्षित पास शिक्षक हैं उन्हें 22,200 तक मिलने वाला है और प्राथमिक स्तर पर देखा जाए तो वहाँ पे 22,200 से हर साल 5% की बढ़ोतरी की जाएगी, केवल प्रशिक्षित 20,200 से और हर साल उन पर कुछ बढ़ोतरी की जाएगी पारा शिक्षकों जो उच्च स्तरीय के हैं और जो प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से 5 तक के लिए और 6 से 8वीं तक के लिए पारा शिक्षकों का। ये दोस्तों मानदेय है झारखंड के पारा शिक्षकों का मानदेय जो तैयार किया गया है, वो मानदेय सिर्फ अलग होता है, ट्रेड पास शिक्षकों का ही मानदेय बढ़ाया जाएगा और बाकी जो पारा शिक्षक हैं उन्हें कुछ सालों में ही यानी कि समय के अनुसार उनके ही वेतन मांग को भी 5% बढ़ाया जाएगा। इसी बात को कहा गया जो मॉडल में जहाँ की सारी चीज़ों को अनुरोध किया है। तो एक ही अपडेट आती है झारखंड बोर्ड की तरफ से, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा क्योंकि हम ऐसे ही झारखंड बोर्ड से हर एक अपडेट लेकर के आते रहते हैं। तो आज के बस फिर इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।